लाइट ऑफ वेवलेंथ 4400 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मैंने वही एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन लिख दिया, एक ही बात है, यानी कि हमें के ई मैक्स निकालना। और आप जानते हैं एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू होता है के ई मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। अगर हम लोग वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो हमें एच सी बाई लेमडा को मॉडिफाई करके 1, 2, 3, 7, 5 डिवाइडेड बाई लेमडा करना होगा। और के ई मैक्स अपना के ई मैक्स बना रहेगा, या भी डब्ल्यू ई लिख देते हैं। तो अब लेमडा हम एंगस्ट्रॉम में डालेंगे तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये बात हम लोग काफी बार सीख चुके हैं। He has brought this ice cream for me. Oh, what are you doing? मुझे कर लिया और मुझे कर दिया। अब लेमडा की जगह 4400 एंगस्ट्रॉम आप रख दीजिए। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो तो हमें निकालनी ही है। वर्क फंक्शन आप 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दीजिए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.81 आएगा। आइसक्रीम खा चुका हूं मैं उसकी। इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब इन्होंने दोनों में आंसर निकाला है तो हम भी वही करेंगे। वैसे आप एग्जाम में एक ही आंसर निकाल लें वही बहुत बड़ी बात है। इंटू 1.6 इंटू 10^-19 तो ये जूल में आ जाएगा। 31 इंटू 16 अरे यार 16 × 16 = 48 1.31 1.6 तो 0.496। तो बुक ने ऐसा लिखा है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो मैं तो ये बोलूंगा के मैक्स इज इक्वल टू 4.96। इसको 10 गुना किया, 10 से डिवाइड करेंगे 10^-20 जूल। तो सबसे बढ़िया आंसर तो यही है, इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। फिर ये रहा बुक का आंसर और ये रहा टू आईआईटीएम्स का आंसर। नूतन नूतन सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।